हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कोरियर के जरिए बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ऐसी टॉप 10 इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज कौन सी हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आजकल देखिए, सीधी सी बात है, चाहे मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा हूं, मुझे कोरियर सर्विस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप खुद सोचिए, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, हर कोई इनकी सर्विसेज ले रहा है। तो कल को अगर आप अपना बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, या मैं कहूं अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं टॉप 10 इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज के बारे में। चलिए बात करते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज, क्या है इनके फायदे, कौन कौन सी है ये कंपनी जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 10th पोजीशन पे है बॉम्बिनो एक्सप्रेस। दोस्तों, हिंदुस्तान की ये सबसे पुरानी कोरियर सर्विस कंपनी है, यानी ये आपको कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सबसे पुरानी कंपनी है। अगर मैं बात कहूँ इनके नेटवर्क की, तो मिडल ईस्ट हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क आपको इन देशों में इस कंपनी का मिलेगा। तो बहुत इजीली आप इनसे कांटेक्ट करके अपना प्रोडक्ट कोरियर करवा सकते हैं, या और भी अगर इनकी सर्विसेज का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को किसी भी देश में पहुंचाना चाहते हैं तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं 9th पोजीशन की। दोस्तों, 9th पोजीशन पे है TNT इंडिया, बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं इनके, और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक्सप्रेस डिलीवरी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है, अगर आप किसी कोरियर कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट पहुंचे, हम चाहते हैं कस्टम क्लियरेंस भी जल्दी से जल्दी हो जाए। हर कोरियर कंपनी कस्टम क्लियरेंस नहीं कराती, कुछ कोरियर कंपनीज ऐसी होती हैं जो भाई हम कोरियर तो कर देंगे लेकिन कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए ऐसी कंपनीज का, ऐसी कोरियर सर्विसेज का सिलेक्शन करें जहां पे आपको कस्टम क्लियरेंस की भी फायदा मिले, वो भी क्लियर हो सके, और सबसे बड़ी बात, अगर आप गुड्स को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो एक्सप्रेस डिलीवरी का भी फायदा मिल सकता है। ये TNT इंडिया, इनका भी नेटवर्क बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, हर जगह इनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन। इसके बाद नंबर 8 पोजीशन पे है डिलीवरी। देखिए दोस्तों, नाम से कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं डिलीवरी नहीं बोल रहा। कई बार क्या होता है, हम सुनने में कुछ और स्पेलिंग में कुछ और होता है। इनकी स्पेलिंग है, अगर मैं स्पेल करूं तो DELHIVERY, अगर मैं दोनों पार्ट में डिवाइड करूं तो डेली और वेरी, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया डिलीवरी। इनका भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, बेनिफिट भी उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जितनी भी कोरियर सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मोस्टली कोरियर सर्विसेज का अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको नेटवर्क मिलेगा, और इंडिया में अगर कहीं भी आप कोरियर भेजना चाहते हैं तो वहां पे भी इनका नेटवर्क और इनकी सर्विसेज आपको मिलेंगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं 7th पोजीशन। दोस्तों, 7th पोजीशन पे है ईकॉम एक्सप्रेस। अब अगर आप इस कंपनी का सिलेक्शन करते हैं कोरियर करने के लिए, तो बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, यानी ये ट्रैकिंग सर्विसेज भी आपको
प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको डोर टू डोर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर मैं यहां से अपना प्रोडक्ट बायर के घर तक या बायर के वेयरहाउस तक, मैं सीधी सी एक ही बात कहता हूं यार, मैं उसके हाथ में ही देना चाहता हूं प्रोडक्ट को, यहां से प्रोडक्ट लेके जाए और सीधा उसके हाथ में जाके दे, तो ये वो कंपनी है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मतलब डोर टू डोर सर्विसेज और प्लस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ पोजीशन की। दोस्तों सिक्स्थ पोजीशन पे है डीटीडीसी। आपने बहुत सारे इंडिया में इनकी ब्रांचेस भी देखी होंगी, बहुत ज्यादा नेटवर्क भी देखा होगा, जाना पहचाना नाम रखा होगा। ये क्यों इतने फेमस है? ये फेमस है अपने रीजनेबल रेट्स के लिए। तो अगर आपको रीजनेबल रेट्स चाहिए तो आप डीटीडीसी को टारगेट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये है कि इनका भी नेटवर्क 200 प्लस देशों में है। तो आप खुद सोचिए, अगर इनका नेटवर्क 200 प्लस देशों में है तो आपको कितना फायदा होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डीटीडीसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी कंट्री का नहीं, 200 प्लस देशों का, यार टेंशन ही हट जाएगी। चाहे बायर कहीं का हो, मुझे कहीं भी डिलीवरी देनी हो, मैं कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी गली, किसी भी गांव में, किसी भी स्ट्रीट में मैं डिलीवरी दे सकता हूं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पोजिशन की, और फिफ्थ पे है इंडिया पोस्ट। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कोरियर कंपनीज तो बहुत है बट हर किसी की अपनी यूएसपी है, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। अगर कोई पैसे ज्यादा ले रहा है तो सर्विस उस अकॉर्डिंगली होगी, अगर कोई पैसे कम ले रहा है तो सर्विस उस अकॉर्डिंगली होगी। डिपेंड करता है क्वालिटी पे, डिपेंड करता है नेटवर्क पे। और ऐसे भी कंपनीज है जो कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर मैंने अपना प्ोडक्ट आगे बेचा तो वो उसको, यानी अब हमारे बायर को प्रोडक्ट तभी हैंडओवर करेंगे जब वो कैश देगा। आपने कभी अमेज़ॉन यूज़ किया होगा, है ना? तो अमेज़ॉन में क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है भाई। कोरियर वाले आते हैं और प्रोडक्ट देते हैं और कैश हमारे से लेके जाते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट की। इंडिया पोस्ट की सबसे खास बात ये है, इनका नाम आता है मोस्ट ट्रस्टेड कोरियर सर्विसेज में। लगभग 200 प्लस देशों का इनका भी नेटवर्क है। तो अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं, इस कोरियर सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी फोर्थ पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन पे है ईकॉम सर्विसेज लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इनका भी बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। इनका भी ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री, मैच्योर्ड कंट्री में इनका नेटवर्क है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूरोप, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे है आरामैक्स। दोस्तों इनका भी नेटवर्क लगभग 220 प्लस देशों में है। और अगर आप ई कॉमर्स में डील करना चाहते हैं, ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्लस नए स्टार्टअप्स को ये प्रमोट करती है, अच्छे डिस्काउंटेड पैकेजेस भी ऑफर करती है। तो आप इनसे भी आप सर्विसेज ले सकते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन। दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन, और सेकंड पोजीशन पे है DHL। आपने नाम सुना ही होगा, जगह जगह रोड पे देखा भी होगा DHL को। दोस्तों इस कंपनी को 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क्स में इनका नाम आता है। लीडिंग कोरियर सर्विसेज में
इनका नाम आता है। हर तरीके की फैसिलिटी आपको देंगे, ये आपको एक्सप्रेस शिपिंग भी देंगे अगर आप इनसे यानी डील करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए गुड्स को अपने बेच रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं सर मुझे मंथली पैकेज या वीकली पैकेज बना के दे दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और अगर काम करना चाहते हैं वॉल्यूम में तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ये बात समझ के चलिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर वन पोजीशन, लेकिन मैं नंबर वन पोजीशन से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब नंबर वन पोजीशन की, और नंबर वन पोजीशन पे है फेडेक्स। नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं बात करूं कि कोरियर कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी, आपको एक्सप्रेस डिलीवरी भी मिलेगी, सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलेगी, हो सकता है थोड़े चार्जेस ज़्यादा भी हो, लेकिन एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं 3 से 5 दिन में डिलीवरी देना, एक्सप्रेस डिलीवरी कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी चाहिए मुझको, 3 दिन के अंदर मुझे डिलीवरी पहुंचा दी जाए एक देश से दूसरे देश के अंदर, 3 से 5 दिन ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो ऐसे अलग अलग तरीके की सर्विसेज ही आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवानी हो, कम से कम रेट पे करानी हो, वॉल्यूम में करवानी हो, तो इनका नेटवर्क लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो #AskCareerGuru टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और अपना सवाल लिखें। और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमसे पूछिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसके ऊपर वीडियो बना के आपको पूरी नॉलेज दी जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।